बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास टुडेज लेसन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज़ डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी स्टडी द मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम is such system where there is a group of bodies and no force, no external force acting on it. If no external force acting on a system, then it called the isolated system. Law of conservation of momentum is based on isolated system. Its definition is: the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. This is the law of conservation of momentum. It means that in an isolated system where there is no force is acting there, momentum of attracting bodies remains always constant. This is called the law of conservation of momentum. We explain it with the help of an example. There's two bodies M1 and M2. These two bodies A and B, and their masses is respectively M1 and M2. Their velocity is respectively u1 and u2. M1 has the velocity u1, M2 has the velocity u2 before collision. When they collide at collision, M1 changes its velocity and its velocity is now v1, and M2 changes its velocity and its velocity now v2. Then in this example we make some formula. Initial momentum of mass m1 is m1 u1, because momentum is always product between the mass and velocity. Before collision velocity is u1, therefore momentum is m1 u1. Initial momentum of mass m2 u2, and total before collision total momentum of the system is m1 u1 plus m2 u2, and after collision velocity changes, u1 velocity become v1 and u2 velocity become v2, then final momentum of the mass m1 is m1 v1, final momentum of the mass m2 m2 v2, and their total momentum after collision is m1 v1 plus m2 v2. According to this law, initial momentum is equal to before collision is equal to final momentum after collision. By putting values m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So this is an example of law of conservation of momentum. नाइन्थ क्लास, यही लेसन जो ना उर्दू मीडियम की बुक पे मौजूद है, पेज नंबर 69 पर। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। एक आइसोलेटेड सिस्टम बाहम टकराने वाले ऐसे साम का मजमुआ होता है जिन पर कोई बिरूनी फोर्स अमल ना करे। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम उसे एक ऐसे सिस्टम को कहेंगे, ऐसे जो ना बाहम टकराने वाले असाम के मजमुए को कहेंगे जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती। इस हिसाब से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसकी डेफिनेशन ही बनती है कि आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा असाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल जो है इसको इग्नोर कर देंगे।
ये वाली एग्जांपल को हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। M1 और M2 मैच की दो गेंदें लें, ये गेंदें एक सीधी लाइन में बिलतरतीब U1 और U2 की इब्तदाई वेलोसिटी से हरकत कर रही हैं। M1 की वेलोसिटी U1, M2 की वेलोसिटी U2 है। तो मैच M1 का इब्तदाई मोमेंटम होगा M1 प्लस M1 U1, M2 का इब्तदाई मोमेंटम होगा M2 U2 और इनका टकराने से कबल कुल मोमेंटम होगा M1 U1 प्लस M2 U2। कुछ देर के बाद ये दोनों गोलियां टकरा जाती हैं आपस में, जिसका वेलोसिटी U1 थी उसकी V1 आ जाती है, जिसकी U2 थी उसकी V2 आ जाती है। तो फिर आखिरी मोमेंटम होगा M1 मैस का M1 V1 और मैस M2 का होगा M2 V2 और टोटल मोमेंटम जो है ना वो अगले पेज पर टोटल मोमेंटम इनका टकराव के बाद है M1 V1 प्लस M2 V2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक टकराने से के बाद का कुल मोमेंटम और टकराने से पहले मोमेंटम इक्वल होता है आपस में, इसलिए M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद हैं इस लेसन के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो इंग्लिश मीडियम की बुक में इसका आंसर जो ना मौजूद है पेज नंबर 69 पे। तो 9th क्लास पेज नंबर 69 पे हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो ना वो एन आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। An isolated system is a group of attracting bodies on which no external force is acting. ये isolated system की definition है, पेज नंबर 69 पे मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका आंसर जो है ना वो पेज नंबर 69 पे ही है, ये पिंक कलर के बॉक्स में। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू एंड इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब उर्दू मीडियम की बुक के मुताबिक पहला क्वेश्चन, आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है। इसका जवाब उर्दू मीडियम की बुक में पेज नंबर 69 पर ही है इसका भी आंसर। पेज नंबर 69 पर इसका जवाब जो ना यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका जवाब। और दूसरा क्वेश्चन है मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन बयान कीजिए। इसका आंसर ये पिंक कलर का बॉक्स, आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा इस्तेमाल पर मोमेंट मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, यहाँ तक इसका आंसर है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको बता दिए गए हैं। तो ये आज का लेसन था 9th क्लास।